हमारा टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। या मैं बोल दूं इसके अंदर दो चीज है, एक मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन, ठीक है, सिस्टम। अब समझ गए बोलो, मतलब जो हमारा फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक है उसका नाम क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके अंदर कितने सिस्टम आते हैं, दो, एक आता है मस्कुलर सिस्टम और एक आता है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, मेरी बात समझ में है। तो हमारी जितनी भी मूवमेंट वगैरह होती है वो बोन कार्टिलेज से होती है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम मूवमेंट। और जो हमारी बोलो लोकोमोशन होती है वो हमारी मसल्स का रोल रहता है। तो इसका मतलब हुआ टॉपिक का नाम है लोकोमोशन और मूवमेंट, उसमें अभी हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, मस्कुलर सिस्टम, फिर क्या करेंगे, स्केलेटन सिस्टम। बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके। मस्कुलर सिस्टम में हमारी कहानी बोलो चल रही थी, मैंने आपको पूरा बेस बनाया और मैंने कहा कि हम एक अरेखित पेशी अनस्ट्रेटेड मसल पढ़ा, स्ट्रेटेड मसल के बारे में सारा सब कुछ पढ़ा। हमारी मेन मसल ही स्ट्रेटेड मसल होती है बिकॉज वही लोकोमोशन में ज़्यादा काम आती है। आज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी करते हैं हाथ का पैर का वो उसी से होता है। तो आपको मैंने बोलो उसकी सारी स्ट्रक्चरल स्टडी करा दी थी, आज आप मैं आपको मैकेनिज्म स्टडी करा रहा हूँ, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैकेनिज्म, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, बोलो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है बिकॉज इसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। पेशी के संकुचन और शिथिलन की क्रियाविधि, क्या लिख रहा मैंने बोलो, पेशी के संकुचन तथा शिथिलन की क्रियाविधि। इजीली समझ में इसलिए आएगा क्योंकि हमने थिन फाइबर थिक फाइबर कहाँ एटीपी बाइंडिंग साइट है, कहाँ आपका कैल्शियम बाइंडिंग कहाँ होता है, बोलो एक्टिन बाइंडिंग का है, सब कुछ मैंने आपको बेस बना दिया, ठीक है। अब आपको मैं क्या कर रहा हूँ, एक पहले डायग्राम बना रहा हूँ, क्लियर। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो मैं जो भी मैकेनिज्म बता रहा हूँ एच ई हैक्सले एंड ए एफ हैक्सले, ये दो साइंटिस्ट है, ने बोलो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, फिलामेंट थ्योरी बोलो दी। और इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है जो अपन कर रहे जा रहे हैं, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इनकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऐसा नाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने कहा कि जब भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो मायोसिन थिक फाइबर होता है वो तो रहता है स्टेबल और उसके ऊपर एक्टिन स्लाइडिंग मोशन करता है, क्लियर। इसलिए इन्होंने नाम दे दिया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने कहा इस थ्योरी, ठीक है, के अनुसार मसल, ठीक है, के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, बोलो रिलैक्सेशन के समय मायोसिन बोलो प्रोटीन फाइबर, ठीक है, या मैं बोल दूं थिक बोलो फाइबर, ठीक है, तो स्टेबल का मतलब समझ गए, स्थिर, ठीक है, स्थिर रहता है तथा एक्टिन क्या होता है, थिन प्रोटीन फाइबर, ठीक है, उस पर स्लाइडिंग
बोलो आपसे मैं करता है, ठीक है, बोलो क्या करता है, स्लाइडिंग करता है। तो यही चीज समझाने के लिए यहां पर क्या बना रहा हूं, एक डायग्राम, ठीक है, ताकि आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बता रहा हूं, लेकिन उसका पूरी तरह से संबंध हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर से बता रहा हूं, क्लियर। क्योंकि मैंने कहा कि हाथ सबके पास रहता है, फिर भी जिनका पैरालिसिस हो जाता है बोलो उनका हाथ काम नहीं करता है। अरे समझे नहीं समझे बोलो, क्लियर, ओके। क्योंकि इनमें है क्या वो दिखाना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, बस मुझे क्या बनाना था आपसे, मैं कहूँ ये मायोसिन, ये एक्टिन, ये एच जोन, ये सार्कोमियर, दैट्स ऑल, समझ में आया बोलो, ओके। अब मैंने कहा ये क्या है, नर्व फाइबर एंड है, बोलो नर्व फाइबर एंड का मतलब समझ गए, तंत्रिका जो तंतु होता है उसका सिरा है, एंड है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर इन वेसिकल्स में भरा होता है, यहीं पर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर। जब भी नर्व की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एंड में यही करते हैं। तो ये क्या है बोलो, वेसिकल्स, ठीक है, ऑफ एसिटाइल एसिटाइल कोलीन, और एसिटाइल कोलीन क्या होता है बोलो, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। अच्छा ये क्या है वो तो आप समझ गए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। ये जो नर्व एंड है इसकी ये जो झिल्ली होती है इसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक, ठीक है, बोलो क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सिनेप्टिक गटर होते हैं, जब भी ये वेसिकल खुलेंगे तो इसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा वो इन्हीं में आएगा, क्लियर। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं पोस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक, बोलो मैंने कहा पॉस सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको। अच्छा फिर ये बोलो जो एसिटाइल कोलिन आएगा वो इस टी सिस्टम, ये क्या होता है, टी सिस्टम, टी मतलब ट्यूब लाइक होता है इसलिए टी सिस्टम बोलते हैं, इससे होता हुआ यहाँ पहुँचेगा। ये जो वाइट वाइट बनाया ये है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है, बोलो याद करो पहले भी बताया न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ये इसके नीचे जो मैंने बताया है ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कैल्शियम रिच होता है, ठीक है।
उसके बाद ये तो मसल बताई है, मसल में यहां से यहां तक ये तो इसकी मेन यूनिट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहा है। ये कौन है बोलो, मायोसिन। और मायोसिन थिक प्रोटीन फाइबर होता है। ये क्या होता है बोलो, एक्टिन। ठीक है बोलो, ये क्या है, आप कहोगे जेड लाइन, और ये क्या है, जेड लाइन। ओके, और ये जो जॉन नजर आ रहा है इसको बोलते हैं एच जॉन। सब कुछ पढ़ चुके हैं, और इसके बीच में लाइन जो होती है उसको क्या कहते हैं, एम लाइन। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आपकी पिक्चर क्लियर होगी। क्लियर, अब मैं बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म होता क्या है। सबसे पहले मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये हाथ है, मैंने आपने मुझे कहा कि इस मुझे ये चीज उठा के दो, आपने मुझे बोला, मेरे कहाँ गया, ब्रेन में। बोलो ब्रेन से आया सिग्नल, इंपल्स आया, वो इंपल्स आकर के यहाँ पर, इंपल्स जब आएगा, और हमेशा आवेग इधर से ही आएगा, आएगा बोलो, आएगा तो बताओ क्या करेंगे, ये वेसिकल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से क्या होगा बोलो, खुलेंगे, ब्लास्ट होंगे, फटेंगे। क्या रिलीज होगा इनसे, न्यूरोट्रांसमीटर। प्री सिंपेटिक मेम्ब्रेन से किस में आ जाएगा वो, पॉस इम्पेटिंग मेम्ब्रेन। यहाँ से टी सिस्टम से कहा जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कहा जाएगा बोलो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इंपल्स जैसे आएगा कैल्शियम रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, कैल्शियम रिलीज। समझना, जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ, ट्रोपोनिन सी क्या करेगा, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा बोलो, कर लेगा। और जैसे ही ट्रोपोनिन सी कैल्शियम को बाइंड करता है, वैसे ही ट्रोपोनिन आई इनएक्टिव हो जाता है। ट्रोपोनिन आई इनएक्टिव होता है, तुरंत आपके एक्टिन मायोसिन की इंटरेक्शन चालू हो जाएगी। बोलो बात समझ में, किसकी इंटरेक्शन चालू हो जाएगी, एक्टिन मायोसिन। ओके, ये कैल्शियम एक तो काम ये कर रहा है, दूसरा काम क्या करता है कि हमारे मायोसिन पर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। बोलो, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, वहां पर जाकर एटीपी को ये कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बोलो आपको मिलकर बोलो एटीपी मायोसिनेज एंजाइम की सहायता से इसको तोड़ता है एडीपी और एंजाइम में, वो एडीपी और बोलो फॉस्फेट आयन में। बोलो एटीपी टूटेगा, बताओ टूटेगा तो ऊर्जा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। उस ऊर्जा का 2/3 भाग तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में यूज आता है, 1/3 भाग मसल रिलैक्सेशन में यूज आता है। क्लियर, कार्यक्रम समझ रहे हो बोलो। मेरे कहने का मतलब, इस कैल्शियम के रिलीज होने से यहाँ पर भी कुछ हुआ, यहाँ क्या हुआ? ये कौन है, मायोसिन का है? अरे मायोसिन का एंड है ना, यहाँ पर क्या हुआ बोलो, आप कहोगे यहाँ पर एटीपी एडीपी में बदला है। क्लियर, तो यहाँ पर आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो चीज़ लिख दी है, क्या लिख दी है, ये एटीपी। क्लियर, और जब भी ये एडीपी और फॉस्फेट में बदलेगा, यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लियर, और मैंने यहाँ पर लिखा एटीपी बोलो मायोस बोलो सीन, आपसे मैं कह रहा हूँ मायोसिन, मैंने कहा मायोसिन। ठीक है बोलो, आपसे मायोसिन एज एंजाइम। ठीक है, मतलब समझ के बोलो, इसको तोड़ने वाला। अच्छा, यहाँ पर बोलो क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जब भी एटीपी एडीपी में बदला है तो ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है बोलो, एनर्जी उत्पन्न। उस एनर्जी का मैंने क्या बोला आपको, 2/3 भाग और 1/3 भाग, जो 2/3 भाग है, ठीक है, वो तो काम आएगा बोलो किसमें, यूज इन मसल, मैंने कहा किसमें बोलो, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और मैंने कहा 1/3 भाग किसमें आएगा, यूज इन मसल, मसल रिलैक्सेशन। अभी दोनों बताऊंगा आपको। क्लियर, यहां तक आ नहीं समझ में आए बोलो आपको। ओके, अब मैंने कहा आपको कि हमें पता है इस मायोसिन पे ही एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, इस मायोसिन पे ही एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। क्लियर, अब यहाँ पर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो एटीपी है बोलो, ये जो आपका एक्टिन है वो किधर आएंगे, इधर आएंगे। क्लियर बोलो, इधर आएंगे बोलो, और जब मसल रिलैक्सेशन होगा तो ये किधर जाएंगे बोलो, इधर जाएंगे। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, जब जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ये एक्टिन किधर आएंगे बोलो, इधर आएंगे। अच्छा, मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हैं, एम लाइन तक, लाद कहाँ आ सकते हैं, एम लाइन तक, और जब मसल रिलैक्सेशन होगा तो वापस उल्टा होगा। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको। ओके, अब मैंने कहा एग्जाम में क्या आता है, ठीक है, यहाँ पर आगे समझना। यहाँ पर मैंने कहा एक तरफ लिखूं, मैंने कहा मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है,
बोलो कॉन्ट्रैक्शन, और मैंने कहा एक तरफ क्या लिखूं, बोलो मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन। ओके, जब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या क्या होगा वो एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर वन, मैंने कहा ये रही कहानी हमारे सामने, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो मैंने कहा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अगर ये ऐसे आएंगे, बताओ ऐसे आएंगे, आप मुझे बताओ क्या हो रहा है। आप कहोगे सार्कोमियर की लंबाई घट रही है, अरे सार्कोमियर की लंबाई घट रही है कि नहीं घट रही है, बोलो। अच्छा, सार्कोमियर की लंबाई अगर मैं बोल रहा हूँ घट रही है, मुझे बता ए बैंड तो मायोसिन से मायोसिन है, सार्कोमियर की लंबाई घटने का मतलब आई बैंड की लंबाई घटना, अरे बोलो किसकी लंबाई घटना, आई बैंड की लंबाई घटना। ओके, यहाँ से मुझे क्या क्या पता चला, मैं कहूँगा नंबर वन सार्कोमियर की लंबाई घटेगी, नंबर टू आई बैंड की या लाइट बैंड की लंबाई घटेगी, नंबर थ्री ए बैंड की लंबाई वही रहेगी, और नंबर फोर एच जोन गायब हो जाएगा। अरे बोलो एच जोन गायब होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर। अच्छा, चार बातें समझ में आई बोलो आपको। मैंने कहा यहाँ पर हम बोलो केस फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, इफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बोलो क्या क्या चेंजेज आएगा वही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, परिवर्तन। ओके, नंबर वन क्या लिख दूं बोलो, मैंने कहा सार्कोमियर, ठीक है, लेंथ, बोलो लेंथ क्या होती है, डिक्रीज, पहला लिखा समझ में आया बोलो। अच्छा, बोलो अगर ये लेंथ डिक्रीज होती है तो मैं क्या बोलूँगा, आई बैंड, ठीक है, आई बैंड बोलूँ या लाइट बैंड बोलूँ एक ही बात है, बोलो लेंथ क्या होगी, बोलो डिक्रीज, ठीक है। और मैंने कहा ए बैंड लेंथ आपसे मैं कह रहा हूँ क्या रहेगी, बोलो नो चेंज, ठीक है, बोलो ये तो स्टेबल रहेगी, अरे समझे से क्यों, माइक दिन तो अपनी जगह ही है। ओके, और मैंने कहा बोलो नंबर फोर्थ एच जॉन, ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, गायब, गायब मतलब समझ गए बोलो, मैंने कहा डिस एपियर, ठीक है, और बोलो क्या हो जाएगा, डिस एपियर हो जाएगा, मेरी बात समझ में आए बोलो। ओके, ये चार परिवर्तन कब होंगे बोलो, जब मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा। अच्छा, मसल में रिलैक्सेशन होगा तो उल्टा होगा, उल्टा होगा, पहला क्या बोलेंगे, सार्कोमियर लेंथ क्या होगी, बोलो इंक्रीज। अच्छा, वापस आई बैंड, ठीक है, लेंथ की लेंथ क्या होगी, बोलो इंक्रीज। अच्छा, ए बैंड तो पहले भी आपसे मैं कहूँ ए बैंड लेंथ में क्या होगा, बोलो नो चेंज, ठीक है, और आपको मैं कहूँ एच जोन क्या हो जाएगा, एपियर हो जाएगा, एच जोन क्या हो जाएगा, बोलो मैंने कहा एपियर, ठीक है, अरे बोलो समझे समझे बोलो क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि हमें हमेशा क्या पूछा जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि रिलैक्सेशन तो अपने आप ही हो जाएगा, बोलो मेरी बात समझ में आए। तो इससे हमें क्या पता चला, इस पूरी कहानी से जो एच ई एक्सल ए एफ एक्सल ये कहना चाहते हैं कि बोलो हमेशा मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब मायोसिन स्टेबल रहता है, एक्टिन उस पर स्लाइडिंग करता है, क्लियर। तो आपको मेरी बात समझ में आई बोलो। ओके, नोट करोगे, स्लाइडिंग का मतलब होता है विसर्पण, ठीक है,
ओके वाई नोड बोलो क्या लिखी लाइन मैंने मायोसिन पर एटीपी और एक्टिन बाइंडिंग साइट उपस्थित होती है
बोलो अभी तो ऐसा लिखा, बाकी पहले मैंने आपको कल बोलो अच्छे से बना के बताया था, ठीक है? ये जो आ रहा है वो क्या है बोलो? इम्पल्स, ठीक है? इम्पल्स मतलब आवेग, जैसा नर्व में होता है वैसा ही मसल में होता है। बोलो, जैसा नर्व में होता है वैसा ही मसल में होता है। इसका मतलब क्या है कि जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब बोलो मसल के बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम डीपोलराइजेशन ऑफ मसल कहते हैं। और जब रिलैक्सेशन होगा तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, इसको रीपोलराइजेशन ऑफ मसल कहते हैं, ठीक है? इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? ओके, हो गया? फॉस्फेट आयन। और वो तो जब भी टूटेगा तो क्या होगा बोलो? फॉस्फेट आयन, एनर्जी रिलीज होगी। बनाया ये बोलो, ठीक है? फिर मेन काम की चीज़ ये, वेरी इंपॉर्टेंट। और इधर क्या कह सकते हैं, मसल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैंने कहा बाहर कैसा होगा? पॉजिटिव, अंदर कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है? ओके, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये सेम नर्व में होती है,
तो नर्वस सिस्टम में ये चीज समझ में आएगी। इसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा ठीक है, और इधर क्या होगा बोलो? उल्टा होगा, ठीक है। मसल के बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, इधर उल्टा होगा बोलो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सेगमेंट है जो मैंने आपको बताया है, कौन से बोलो? ये वाला, ठीक है। सार्कोमेर की लंबाई घटती है, आई बैंड की लंबाई घटती है, ए बैंड की लंबाई अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। एच जोन गायब हो जाता है, मसल में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव इस वाली कंडीशन में, और इधर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? बोलो। इसमें उल्टा होगा ना, ठीक है। बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव, इधर लिख दिया तो इधर उल्टा हो गया बोलो। ये तो सब कुछ इसका उल्टा ही है ना, बोलो। बात समझ में आए? ओके। और ये चीज आपको समझ में आएगी जब हम नर्व की मैकेनिज्म बताऊंगा नर्वस सिस्टम में, ठीक है। बोलो, अभी तो मैंने ऐसा ही लिख दिया आपको, मसल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन, ये बाकी चार पॉइंट तो समझ में आएगी बोलो। अच्छा, ये हमने क्या देखा बोलो? दूसरी मसल। अब हमारी नंबर थ्री क्या है बोलो? कार्डियक मसल, ठीक है, हृदय पेशी। ओके, नंबर वन पहला पॉइंट ये हार्ट, अरोटा मतलब महाधमनी एंड पल्मोनरी आर्ट, पल्मोनरी वेन, ठीक है। बोलो, हार्ट, अरोटा, पल्मोनरी वेन में उपस्थित, ठीक है। मेनली तो कहाँ होती है? हार्ट में, ठीक है, उपस्थित होती है। नंबर दूसरी बात, ये संरचना में किसके समान होती है? रेखित, क्योंकि इसमें लाइट और डार्क बैंड उपस्थित होते हैं। ये कार्य में किसके समान होती है? अरेखित, अनैच्छिक, क्योंकि इसका कंट्रोल मेडुला ऑब्लॉन्गेटा द्वारा किया जाता है। यह है, यह मतलब कौन? कार्डियक मसल। स्ट्रक्चर में बोलो, मैंने कहा रेखित पेशी, ठीक है, मसल के समान होती है, क्योंकि क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में भी लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है, उपस्थित होते हैं।
उसके बाद यह कार्य में, बोलो अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब अनैच्छिक पेशी मतलब इन वॉलेंट्री मसल होती है, क्योंकि इसका कंट्रोल मेडुला ऑब्लन गेटा, ठीक है, द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय पेशी कार्डियक मसल होती है, रेखित ऐच्छिक, अरेखित अनैच्छिक, रेखित ऐच्छिक, अरेखित अनैच्छिक। समझ में आया? बोलो, तो आपको पता चल गया कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ नंबर फोर्थ, अतः हृदय पेशी कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल रेखित तथा अनैच्छिक, ये तो बोला मैंने हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में बोले तो स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री, ठीक है, एंड क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, इन वॉलेंट्री होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा हूँ नंबर फाइव, अगर स्ट्रक्चर बताऊँ तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, लाइट डार्क बैंड इसमें भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो एक तो हमें नजर आ रहा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बोलो मैंने कहा, उसके बाद ये जो है उसको बोलते हैं इंटर कलेक्टेड, ठीक है, बोलो डिस्क जो दोनों को जोड़ता है, क्लियर। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है स्ट्रक्चर में क्या बोल दूँ, लाइट एंड डार्क बैंड उपस्थित मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ओके। दो बातें बोलो आपको पता होनी चाहिए, बाकी इसका मेन पॉइंट है वो ये वाला है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। अरे समझे ही समझे, बोलो इस यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में आता है, ठीक है, नोट करोगे।
क्लियर नोट बोलो ये। बताओ ये भी फेटिग होगी कि नॉन फेटिग? नॉन फेटिग होगी, ठीक है। ये भी नॉन फेटिग मसल नहीं, बोलो थकने वाली, ठीक है। होती है इंटरकलेक्टेड डिस्क, ठीक है। ओके, ये हमने हमारा जो टॉपिक जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसका एक भाग मस्कुलर सिस्टम पढ़ लिया। उसमें कितने आते हैं बोलो? दो, एक मस्कुलर सिस्टम और एक स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अब हम आगे क्या स्टडी करेंगे? स्केलेटन सिस्टम, ठीक है।